हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस में आपको टर्म्स और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और टर्म्स को भी शो करना है और फैक्टर्स को भी शो करना है ट्री डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ट्री डायग्राम के थ्रू हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है x-3। एक्सप्रेशन क्या है, x-3। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है या कितनी टर्म्स है, तो देखो ये जो बीच का हमारा ये होता है ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे टर्म्स को अलग करता है। तो अगर यहाँ पर दो टर्म्स हैं उनके बीच में एक ऑपरेशन है, मतलब दो टर्म्स हमारे पास में है। अगर टर्म्स की बात करें तो टर्म्स में हमारे पास में यहाँ पर एक्स भी है और दूसरा इसमें हमें -3, ऐसी दो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आ गई दोनों। और उसके बाद में उनके फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो अगर आप देखिए यहाँ पर x का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब x को और ज़्यादा मैं बोलूँ डिवाइड करना है या और बांटना है तो हम और नहीं बांट सकते, मतलब x तो x ही रहेगा, या x 1 जा x बोल सकते हैं। तो 1 उसका फैक्टर है, लेकिन 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्स। और यहाँ अगर हम -3 की बात करते हैं, -3 के फैक्टर्स की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो -3 के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो -1 आएगा क्योंकि ये माइनस की साइन 3 को अलग कर रही है, मतलब 3 को अगर अलग कर दूँ तो -1 जो है, -1 और 3 ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं -3 के। देखो अगर 1 होता तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माइनस अगर है तो -1 से हमारी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, -1 मैटर करता है। तो यहाँ पर -1 और 3 ऐसे दो फैक्टर आएंगे -3 के। तो हमने क्या किया, पहले एक्सप्रेशन से टर्म्स लिखी और फिर टर्म्स के फैक्टर्स लिखे, राइट। अब यहाँ पे दूसरी देखते हैं हम। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स दिख रही है, दो ऑपरेशंस हैं, प्लस प्लस की दो साइन है, मतलब 3 हमारे उसके बीच में क्या दिए हैं, टर्म्स दिए हैं। 3 टर्म्स में एक तो 1 ही है, ठीक है, पहला वाला 1 ही है, दूसरा x है, तीसरा x स्क्वायर है। 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 के फैक्टर तो 1 ही होता है, मतलब ये 1 ही होगा, राइट। x के फैक्टर क्या होंगे, x ही होंगे, जैसे हमने यहाँ भी देखा था, x 1 जा बोलेंगे तो 1 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, 1 मतलब वही वही आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर x के फैक्टर x ही आएगा। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर, x और x, देखो x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर आएगा, मतलब मैंने x स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इसके फैक्टर्स में, तो x और x उसके फैक्टर्स आ गए, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, y-y³। अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी दो टर्म्स, दो ही टर्म्स है क्योंकि ऑपरेशन एक है बीच में, ओनली माइनस है, उसके अलावा और कुछ नहीं, तो माइनस है मतलब दो टर्म्स भी है यहाँ पर, एक y और एक y³। y के फैक्टर तो कुछ नहीं होगा, y ही होगा, और y³ का क्या होगा, y into y, राइट। 3y आ जाएंगे, y into y, y² तो y³ के 3 फैक्टर्स क्या हैं, y। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास एक ऑपरेशन है, मतलब दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स कौन सी है, एक है 5xy², एक है 7x²y, ठीक है। दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब दोनों टर्म्स के फैक्टर्स को करेंगे हम ट्री डायग्राम से, जैसे यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो 5 है जो कांस्टेंट है, x अकेला है तो x आ जाएगा, और y स्क्वायर है, अभी इसे हम पहले y स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, 7 है, x स्क्वायर है, y है। अब ये तो एज इट इज़ है, इनके और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन y स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे, y इंटू वाई। और यहाँ भी 7 और y तो अकेले हैं, इनके फैक्टर्स और नहीं होंगे, लेकिन x के होंगे, x इंटू एक्स, राइट। तो क्या हो गया, 5 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 5xy, और यहाँ पर 7xxy, तो ये फैक्टर्स आएंगे हमारे इस एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में दो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ये ऑपरेशन नहीं है, ये माइनस की साइन है जो इस टर्म के लिए दी है, तो ऑपरेशंस हमारे ओवरऑल दो हैं इसमें और टर्म्स 3 हैं, तो वो 3 टर्म्स को पहले हम लोग अलग करेंगे,
पहला है माइनस ए बी, दूसरा है टू बी स्क्वायर, तीसरा है माइनस थ्री ए स्क्वायर, माइनस थ्री ए स्क्वायर ये भी ध्यान रखना है हमें, राइट। अब यहाँ ए बी के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, देखो ए अकेला है एक अपना, बी भी अकेला है बी का फैक्टर, माइनस जो है ये माइनस वन को दे देंगे, तो माइनस वन ए और बी हमारे इसके फैक्टर्स हैं। टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, टू का टू ही आएगा, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, बी स्क्वायर को दो बार लिखना था, ये उसके फैक्टर्स आ गए। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस की साइन के लिए माइनस वन, थ्री अकेला आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर निकाल लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना था, ट्री डायग्राम किस तरह से बनानी थी, ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।